निर्गमन अध्याय 30, निर्गमन अध्याय 30। फिर धूप चलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की वेदी बनाना, उसकी लंबाई एक हाथ और चौड़ाई एक हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई दो हाथ की हो, और उसके सिंग उसी टुकड़े से बनाए जाए, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की अलंगों और सिंगों को चोखे सोने से मढ़ना, और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना, और इसकी बाड़ के नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के दो दो कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना, वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे, और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए, और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न इस पर अर्घ देना, और हारून वर्ष में एक बार इसके सिंगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इसराइलियों की गिनती लेने लगे तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दे। यह शेकेल 20 गेरा का होता है, यहोवा की भेंट आधा शेकेल का हो। 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाए उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे और न कंगाल लोग उससे कम दे। और तू इसराइलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लाना, जिससे वह यहोवा के सन्मुख इसराइलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और एक हिन जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना। और
उनको पवित्र करना जिससे वे परम पवित्र ठहरे और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा, वह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके सामान और कुछ न बनाना। वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए व जो कोई उसमें से कुछ पराए कुलवाले पर लगाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल नखी और कुरुंद से सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले आना, ये सब एक तौल के हो और उनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना, फिर उसमें से कुछ पीसकर बुकनी कर डालना, तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां पर मैं तुझसे मिला करूंगा वहां रखना, वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना, वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सुगंध के लिए उसके समान कुछ बनवाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए।